हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग असाइनमेंट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन सी, जिसमें एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन दिए हुए थे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के। और C7 हमने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है, नोट्स में ही अपने, तो अपन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी क्वेश्चन सेक्शन सी के। तो C1 में देखिए, आप C1 में आपके पास ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी की बात की गई है ना, ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, इसकी बात की गई है। और डिवीजन में आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप देखिए जो आंसर्स ले आने हैं वहां पे क्या है, आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो दिया गया है। मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के रेशियो के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू वाली चीज। तो उसी तरीके से आपको यहां पर भी सोचना है कि आपको ये साइड हटानी होंगी, एंगल्स में कन्वर्ट करना होगा और हाफ एंगल्स में बदलना होगा। तो यहां पर ए को आपने लिख दिया 2R साइन ए, तो 2R कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, बल्कि R ही कॉमन लीजिए, 2 साइन ए कॉस ए, तो आपके पास ये आ जाएगा समेशन ओवर साइन 2A। और नीचे आपके पास क्या बचा रहेगा, 2R समेशन ओवर साइन ए होगा। साइन 2A का कंडीशनल आइडेंटिटी, यहां से 1/2 बचा R बाई 2R, समेशन ओवर साइन 2A इज 4, क्या हो जाता है साइन 2A में, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। और नीचे आपके पास 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। तो नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, sin a को 2 sin a by 2 cos a by 2 रख दीजिए, sin b को इसी तरीके से, और सिमिलरली sin c को आप हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, हाफ, यहां से आपके पास 2 sin a by 2 बचेगा, ठीक है, सिमिलरली 2 sin b by 2 और 2 sin c by 2। नेक्स्ट देखिए आप C2 क्वेश्चन में, C2 में आपके पास ABC का रेशियो दिया हुआ है और आपको R is to R निकालना है। तो आप देखो C2 में R is to R फॉर्मूला क्या होता है, ABC upon 4 डेल्टा, और R का मतलब क्या होता है, S upon डेल्टा होता है। तो आप ABC S upon 4 डेल्टा स्क्वायर ये निकालने वाले थे, कैसे निकाल सकते हैं, तो A को आप मान लीजिए कि A आपका 3K है, B आपका 7K है और C आपका 8K है। तो ये आपका 3K 7K और C आपका 8K, ठीक है। आप K मत मानो, आप 378 मान के ही कर दो तब भी काम चल जाएगा। और यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9K, और 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर एरिया आप निकाल लोगे क्या, 3K 7K 8K वाली साइड्स का आप एरिया निकाल लेना और डेल्टा स्क्वायर यहां रख देना, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आसान सा सवाल था। C3 में देखते हैं, C3 में आपके पास R1 इज इक्वल टू 2R2 इज इक्वल टू 3R3 दिया गया है। तो सबसे पहली चीज, R1 मतलब डेल्टा अपॉन S माइनस A इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन S माइनस B इज इक्वल टू 3 डेल्टा अपॉन S माइनस C। लेकिन बहुत सारी चीजें इक्वालिटी में हो तो आपको क्या बताया गया था कि आपको हमेशा K लिखना चाहिए, और ऐसे में आपको A B C के बीच का रेशियो निकालना था, ठीक है। तो आप देखो डेल्टा अपॉन S माइनस A इज इक्वल टू K, दैट मींस S माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा बाई K बोलूंगा, है ना, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब हो गया एस माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा वाई के, ओके, ठीक है। एस माइनस बी इसी तरीके से देखिए आप, जरा एस माइनस बी के बारे में आप क्या बोलोगे, एस माइनस बी आप क्या लिख सकते हो, 2 डेल्टा वाई के, और एस माइनस सी को आप क्या बोल सकते हो, 3 डेल्टा वाई के। तो आप अगर इन तीनों का सम लेते हो तो क्या बनेगा, 3S माइनस 2S, मतलब S इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 डेल्टा वाई के, है ना, ठीक है। तो आपके पास यहां से देखो एस अगर ये है तो ए आपका कितना हो गया 5 डेल्टा अपॉन के, बी आपका कितना हो गया 4 डेल्टा अपॉन के, और सी आपका कितना हो गया 3 डेल्टा अपॉन के। ए बी सी आपको मिल गए, इनका रेशियो आपको बताना था, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अपन आते हैं C4 पे। C4 में आपके पास देखिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में बात की गई है, और देखते हैं अपन। तो सबसे पहला वाला जो है R2 प्लस R3, ठीक है, इज इक्वल टू R1 माइनस R, इसकी बात की गई, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 माइनस R, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर कहा जाए कि 4R, ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, R3 में 4R साइन सी बाई टू, है ना, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, ठीक है,
या फिर आप इसमें मत जाओ, इतना मत लिखो, आप सीधा सीधा लिखो। आपको tan a by 2 के टर्म्स में इसके बारे में पता था, तो ये लिखा हुआ है आपका s tan b by 2, ये था आपका s tan c by 2, ये है आपका s tan a by 2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सेम टर्म्स में लिखने के लिए, s माइनस a tan a by 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका tan b by 2 दिखा प्लस tan c by 2 दिखा इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा a अपॉन s tan a by 2, है ना, ऐसा कुछ। तो tan b by 2 प्लस tan c by 2 इज इक्वल टू a by s tan a by 2, ऐसी सिचुएशन बन रही है। ओके, ये s एक फंस रहा है बीच में, इसका क्या कर सकते हैं अपन, a by s tan a by 2, ठीक है, tan b by 2 tan c by 2, चलिए लिखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव मोड में जाना पड़ेगा। डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस b प्लस डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास a by s डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a। तो s s s साफ हो गया, डेल्टा आपका ऊपर से साफ हो गया, तो आपके पास बचा 1 अपॉन s माइनस b प्लस 1 अपॉन s माइनस c इज इक्वल टू a by s इंटू 1 अपॉन s माइनस a, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ऐसे हम लोग तो 2s माइनस b माइनस c मतलब a अपॉन s माइनस b s माइनस c इज इक्वल टू a अपॉन s इंटू 1 अपॉन s माइनस a, ठीक है। तो a साफ हो गए, ठीक है, यहाँ से अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला गया, मे भी थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच हो जाता अगर मैं साइन के टर्म्स में लिख करके करता जैसा मैं पहले ट्राई कर रहा था, शायद मैं नोट्स में उस मेथड से आपको करा भी रखा है, एक बार वो भी देख लीजिएगा। एक और मेथड यहाँ पे आ गया अपने पास, लेकिन कि ए ए तो साफ हो गए, बचा हमारे पास एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये कैसा जब लिखा हुआ है, अगर मैं इसको s माइनस बी एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऊपर क्या आएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये क्या होता है आपका, ये कॉट स्क्वायर ए बाई टू लिखा हुआ है, और कॉट स्क्वायर ए बाई टू अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आपका कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री वाला एंगल होगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा शायद मैंने कैलकुलेशन कर दी है, आप इसको साइन वाले मेथड से करना, शायद आसानी से और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसके डिस्कस करते हैं, C4 के। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो बी ऑप्शन है, ये मैंने आपको डिस्कस करा ही रखा है पहले ही, तो इसका फिर से रिक्वायरमेंट नहीं है। सी ऑप्शन में देखिए आप R1 इज इक्वल टू S की बात कर रहे हो, तो सी ऑप्शन में आपके पास था R1 मतलब S tan A by 2, राइट, और इज इक्वल टू एस, तो सीधा सीधा पता चल गया कि ए आपका राइट एंगल है। 2R इज इक्वल टू R1 माइनस RT ऑप्शन भी देखी लो, 2R, ठीक है, 2R, ओके, और R1 माइनस R, देखते हैं R को अपन क्या लिख सकते हैं, R को अपन ऐसा लिख लेते हैं इस बार, A by 2 साइन है, क्यों ऐसा किया वो अब बताता हूं। R1 आपका क्योंकि डेल्टा अपॉन एस माइनस ए था, माइनस ये था डेल्टा अपॉन एस, है ना, तो आपके पास देखो डेल्टा कॉमन, यहाँ पे a अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये 2-2 साफ है, a साफ है, तो बचा मेरे पास कि साइन a, ठीक है, साइन a और इधर से डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ये क्या होता था, ये तो tan a by 2 होता था, ठीक है। तो ये आपका tan a by 2 इंटू साइन a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 1, तो ये 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और tan ए बाई 2, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ने कॉस को खत्म किया, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास दिखा 1, तो साइन ए बाई 2 कितना रहा होगा, साइन 45, है ना, और साइन 45 का मतलब क्या होता है कि ए 90 डिग्री था। नेक्स्ट देखिए C5, C5 वाले सवाल में क्या है, सी ABC आपका राइट एंगल्ड है एट सी और पेरीमीटर इसका 70 है, ABC आपका राइट एंगल्ड है एट सी और पेरीमीटर इसका 70 है, तो आपके पास मान लो मैं ABC ऐसा बना लेता हूँ और मैंने कहा कि इन रेडियस इज 6,
इन रेडियस मतलब डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा बाई एस की वैल्यू आपके पास पता है आपको कि ये कितनी है आपकी 6 के बराबर, ठीक है, और एस कितना है आपका 35, दैट मीन्स डेल्टा कितना है आपका 210, ठीक है। तो डेल्टा आपका 210 है, ए माइनस बी आपको निकालना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना था आपका 70 था, ठीक है, और सी कितना होगा खुद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसलिए बदल दिया क्योंकि मुझे फाइनल आंसर में दिख रहा है कि ए बाई बी चाहिए, सी को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमें यह भी पता है कि भाई हाफ ए बी की वैल्यू 210 है, डेल्टा मतलब हाफ ए बी, तो ए बी आपका कितना आता है 420 आता है, ओके। एक ये रिलेशन है आपके पास, इससे अपन क्या यूज कर सकते हैं देखते हैं। ए प्लस बी को अगर हम टी मान लें, ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्या लिखी हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर टी है, इसको मैंने ले लिया टी स्क्वायर माइनस 420 ए बी सॉरी 820 तो इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो आपको यहां से मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 820 इज इक्वल टू 70 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो 4900 प्लस टी स्क्वायर माइनस 140 टी, ठीक है। तो आपके पास टी स्क्वायर से टी स्क्वायर साफ हो गया, आपके पास बचा 140 टी, है ना, 140 टी इज इक्वल टू 5720, है ना। तो यहां से आपके पास सही निकाला है क्या ना, ए बी इज इक्वल टू 410 और यहां से आपके पास 2ab है, सॉरी 840 होना चाहिए था, 840 अगर आप करोगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, मतलब टी कितना हो गया आपका 41 हो गया, मतलब ए प्लस बी आपका 41 है, ठीक है, ए बी आपको पता है, तो यहाँ से आपके पास ए प्लस बी आपका नोन है 41, ए बी आपको पता है, तो आप ए माइनस बी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं C6 पे, C6 में हमारे पास अच्छा सवाल दिया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी कम की जा सकती है, जैसे a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो इसको आप अगर ऐसे लिख लो s माइनस बी माइनस s माइनस a अपॉन s माइनस सी माइनस s माइनस बी, ठीक है, ऐसा लिख लिया इज इक्वल टू s माइनस a अपॉन s माइनस सी, ठीक है। अब ऐसा था कि r1 r2 इन सब में आपको रिलेशन बताना था, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप s माइनस ए को यहां भेज दो, मतलब s माइनस बी माइनस s माइनस ए अपॉन s माइनस ए लिख दो और इज इक्वल टू s माइनस सी माइनस s माइनस बी अपॉन s माइनस सी लिख दो, तो मेरे पास बचेगा s माइनस बी अपॉन s माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस s माइनस बी अपॉन s माइनस सी, ओके। तो यहां से आपके पास क्या निकल करके आता है कि s माइनस बी अपॉन s माइनस ए प्लस s माइनस बी अपॉन s माइनस सी इज इक्वल टू 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, s माइनस बी को कॉमन ले लूं, यहां 1 1 लगा दूं और यहां s माइनस बी डाल दूं, फिर मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डेल्टा से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा यहां डेल्टा यहां डेल्टा, तो r1 प्लस r3 इज इक्वल टू 2r2, ये आपका C6 रहा क्वेश्चन, ठीक है। C7 जैसा हमने पहले ही बताया कि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अपन अब आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में C8 पे। तो C8 देखते हैं, C8 में आपका R by R1 दिया हुआ है और आपको tan A by 2 tan B by 2 plus C by 2 ऐसा निकालना था। तो इसको देखो आप C8, इसमें आपके पास अगर मैं कहूं ये tan A by 2 वगैरह, तो ये क्या है, आप लिख सकते हो क्या इसको कि अगर मेरे पास समेशन tan A by 2 tan B by 2 होता तो दिस वॉज इक्वल टू 1, सही है कि नहीं है, tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2 ये सम जो है आपका 1 के बराबर होता कंडीशनल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके पास कौन कौन सी टर्म्स है, ab है, ac है, bc तो है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, 1 minus tan b by 2 tan c by 2 ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपके कैलकुलेशन है। और इसमें अगर हम देखें तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी, सो दिस इज 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। आपका यहां से क्या आएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी सी आपके कैंसिल हो गए, बचा क्या, एस माइनस ए बाई एस, तो आपके पास आ गया ए बाई एस, ठीक है।
अब हमें दिया जो गया है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होगा, तो हमें दिया गया था R by R1 is equal to half, तो R by R1 is equal to half, इसका मतलब है कि आपको दिया गया है डेल्टा अपॉन S और डेल्टा अपॉन S माइनस A, तो S माइनस A अपॉन S is equal to 1 by 2, यहां से आप A और S का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वही आपको आंसर मार। अब ये जो आपका C9 वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या करना था, निकालना था tan C by 2, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि sin C की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना डायरेक्टली, ठीक है, sin C आप लिख सकते हो, sin C कितना होगा, तो sin C का मतलब हुआ, यहां से अपन देख रहे हैं C by A, तो sin C का मतलब हो गया C by A, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 tan C by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर C by 2 इज इक्वल टू C by A, तो आपको 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू C by A ये दिया गया है, ठीक है, और यहां से आपको निकालना है कि t की वैल्यू क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2at is equal to c plus ct square, ct square minus 2at plus c is equal to 0, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2a plus minus under root 4a square minus 4c square upon 2c, तो 2a plus minus under root 2 यहां बाहर a square minus c square upon 2c, a square minus c square कितना होगा, b square, तो इसको b लिख दिया, आपके पास आंसर आ गया, है कि नहीं है, tan c by 2, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, और tan c by 2 ऑफ कोर्स आपका 1 से छोटा ही रहेगा, है ना, तो आपको यहां a plus b नहीं ले सकते, a minus b ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना कि आपका a खुद ही बड़ा है, तो a by c आपका 1 से बड़ा निकल जाएगा ना, ठीक है, a by c आपका 1 से बड़ा निकल जाएगा, और उसमें प्लस आप कुछ ऐड करोगे तब तो काफी बड़ा हो गया, आपको वैल्यू कैसी चाहिए, 1 से छोटी चाहिए, क्योंकि c आपका 90 डिग्री तो नहीं है, ठीक है, तो tan c by 2 आपका 1 से छोटा होगा, इसलिए यू हैव टू सेलेक्ट a minus b by c। क्वेश्चन नंबर c10 पे आते हैं, c10 में हमारे पास क्या दे रखा था, r1 plus r2 r2 plus r3 r3 plus r1 upon r into s square, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको सिंपलीफाई कर दिया, r1 plus r2 मतलब डेल्टा अपॉन s minus a plus डेल्टा अपॉन s minus b, ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा अपॉन s minus b और s minus c, और एक बार s minus c और s minus a अपॉन आर इंटू एस स्क्वायर, तो खैर आते हैं, डेल्टा डेल्टा हर जगह से कॉमन क्यूब हो गया, तो यहां से वन अपॉन एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस बी, मतलब सी ऐसे ही एक में ए आएगा एक में बी आएगा, अपॉन नीचे क्या बनेगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होगा, और नीचे आपके पास क्या है, आर इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, तो अगर अपन डेल्टा क्यूब अपॉन आर इसको अलग रखें, ए बी सी यहां पे है ही, और ये एस स्क्वायर इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, डेल्टा की पावर 4, तो बन गया कि नहीं, ठीक है, यहां से आपके पास देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की पावर 4, 1 अपॉन डेल्टा ए बी सी, और ये नीचे आर, आर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 के करेस्पॉन्डिंग बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11, C11 में देखिए आपके पास क्या कह रखा है, राइट एंगल्ड एट बी और स्मॉल आर निकालना है, राइट एंगल्ड एट बी और स्मॉल आर निकालना है, तो हमने क्या कहा था, राइट एंगल के समय यूज कर लेना किसका, tan b by 2 वाले फॉर्मूले का, तो स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा, s माइनस बी tan b by 2, ठीक है, और इसका मतलब ये कितना हो गया, b चूंकि आपका 90 था तो s माइनस बी, ठीक है, यही आपका आंसर है। C12 पे आते हैं, C12 आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ओवर R1 माइनस R, तो प्रोडक्ट ओवर R1 माइनस R का मतलब है, देखिए यही है ना, प्रोडक्ट में हटाई देता हूं, R1 माइनस R इंटू R2 माइनस R इंटू R3 माइनस R, राइट, तो ये आपका डेल्टा अपॉन S माइनस है माइनस डेल्टा अपॉन S, तो डेल्टा 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 सब में से कॉमन हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे आपके पास आएगा S, S माइनस है यहाँ S S माइनस B यहाँ S S माइनस C, ऊपर ए बी सी, ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर आ गया, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा स्क्वायर ए बी सी, तो ए बी सी अपॉन डेल्टा बन गया, ए बी सी अपॉन डेल्टा अगर है तो इसको आर से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपकी।
चलिए देखते जाते हैं वैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने पास, ए बी सी डी ऑप्शंस के साथ इसको मैच भी कराना है। तो अगर देखें ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा लिख सकते हो, ठीक है, तो 4 आपको ऊपर भी डालना पड़ेगा। अरे सॉरी यार, एस क्यूब है ना ये, हाँ एस क्यूब, तो एस क्यूब अगर है तो आपका एस स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है, एस स्क्वायर यहाँ पे, और 4 तो आपने यहाँ डाल दिया और नीचे आपके पास एस स्क्वायर और रहना चाहिए, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ए बी सी अपॉन एस स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये है ना, तो हाँ अब ठीक है, डेल्टा अपॉन एस, इसको एक साथ कर लेते हैं, डेल्टा अपॉन एस इंटू ए बी सी अपॉन एस, ठीक है, ए बी सी अपॉन एस, इसका क्या करें भाई, तो इस ए बी सी के लिए हम 4 डेल्टा एक नीचे लगा देते हैं, ठीक है, 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा एक हमें ऊपर भी डालना पड़ेगा और नीचे एस डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और वो आपका 4 स्मॉल आर और हो गया, ठीक है, तो 4 स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में देखिए आप, ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिया गया है, और नीचे आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2s, है ना, और ऊपर ए बी सी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इसी फॉर्म में। फिर आपके पास बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आपका डी करेक्ट था, ठीक है, और फिर हम ए ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए बी सी इंटू प्रोडक्ट ओवर टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। जरा देखो, अगर हम प्रोडक्ट ओवर टेन ए बाई टू निकालते हैं तो प्रोडक्ट ओवर टेन ए बाई टू का मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यूब अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, है ना, एस क्यूब इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, है ना, और एक एस आपका नीचे, सॉरी एस स्क्वायर आपका बचा रहेगा, ठीक है, ये एस क्यूब है ना, यहाँ पे आपका ये एस क्यूब है, ठीक है, तो एस क्यूब है तो एस स्क्वायर को आप रहन दो, ठीक है, और बाकी आपका यहाँ डेल्टा बन, डेल्टा स्क्वायर बन गया, दिस इज वन अपॉन डेल्टा इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि डेल्टा वन अपॉन डेल्टा एस स्क्वायर वहां पे आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। सी टेन में देखिए आप, सी टेन में आपके पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी हार्मोनिक मीन ऑफ 3x रेडियाई इज 3 टाइम्स द इन रेडियस, ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ 3x रेडियाई, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सी थर्टीन में आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, किसका, R1 R2 R3 का, तो कैसे निकलेगा, 3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 निकाल लिया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 अपॉन यहाँ से S माइनस A बाई डेल्टा, S माइनस B बाई डेल्टा, S माइनस C बाई डेल्टा, तो तीनों का सम कितना हो गया, S बाई डेल्टा, तो दिस इज 3R, ठीक है, और आपके पास स्टेटमेंट 2 जो है ये आपने पहले भी देख रखा है, क्या करेंगे आप, साइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे R1 R2 R3 को, और फिर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 4R, तो जब आप साइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करोगे लेफ्ट साइड को, तो एक साइन और दो कॉस आएंगे, मतलब आपके पास साइन ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्रिएट होगा, उसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो खैर ये तो हमने पहले भी कर रखा है इस तरीके का, तो ये हमारा आज का डिस्कशन एंड हुआ, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए फिर से मिलते हैं, थैंक यू।